तो हेलो दोस्तों, भाई की हाल चाल है? बढ़िया सब। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम लेके आ चुके हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को, जिनको सुनकर आपके कानों से खून निकल जाने वाला है। तो चलो बढ़ते हैं फैक्ट्स की ओर। यूजली एक कंट्री दूसरी कंट्री से वॉर करने के लिए अर्जेंटली वॉर को डिक्लेयर करती है, लेकिन न्यूजीलैंड ने अपने ही कंट्री के चूहों के खिलाफ वॉर को डिक्लेयर कर दिया है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन यही सच है। न्यूजीलैंड ने अपने ही कंट्री के चूहों के खिलाफ वॉर को डिक्लेयर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, वहाँ पर अगर किसी भी बंदे को चूहा दिखता है और वो उसको नहीं मारता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उसको लाइफ टाइम जेल में भी रहना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, न्यूजीलैंड में चूहों की तादाद बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ की कंट्री के सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जैसे कि उनके फसलों को खाना और चूहे उनके घरों में भी काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। दरअसल वहाँ पर चूहों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन यही सच है। दरअसल दोस्तों, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि यहाँ पर चूहों की तादाद कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है, इसी वजह से अब जिसको भी चूहा दिखता है वो उसे वही मार देगा। थोड़ा सुनने में अजीब है, लेकिन है गाइस यही सच, जो कि अभी हाल ही में वहां पर न्यूजीलैंड में ये रूल्स को लागू किया गया था। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि एक बेजुबान जानवर को इस तरह से मारना चाहिए, हाँ या ना? गाइस कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। पड़ते हैं अभी फैक्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हांगकांग में बहुत सारे सर्वेंट्स आपको रास्ते पर ही मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ सिनेमा हॉल्स और मॉल्स के बाहर भाई के फादर्स को भी खड़ा किया जाता है। जी हाँ, आप उनको एक घंटे के लिए या दो घंटे के लिए जितनी देर के लिए भी हायर करना चाहें आप उन्हें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। दरअसल दोस्तों, वहाँ पर जो मदर्स होती हैं, उनके बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए वो एक घंटे के लिए या दो घंटे के लिए जितनी देर के लिए चाहे वो हायर कर सकती हैं। दरअसल दोस्तों, जब तक वो मॉल के अंदर या सिनेमा हॉल्स के अंदर रहेंगी, तब तक वो फादर उनके बच्चों की सेफ्टी करते रहेंगे, आगे पीछे जहाँ जब तक जैसा चाहें बच्चे कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जब तक चाहेंगे वो एंजॉय करना। गाइस, आप उनको इंडियन करेंसी यानी कि 1000 रुपीज़ में भी हायर कर सकते हैं। हाँ, सुनने में काफ़ी अजीब है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब हांगकांग में ये चलता है तो चलता है। ठीक है, गाइस बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स और बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसी रील बना रहे हैं, ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिनको देखकर लगता है कि आप शायद ही टमाटर नहीं खरीद पाओगे। उसके लिए आपको या तो अपना फोन बेचना होगा या फिर घर। 5 मिनट में आप मुझे कैसे पटाओगे? क्या आपको पता है कि एक ऐसा टमाटर भी है जिसके लिए आपको घर बार और जमीन जायदाद या फिर लैम्बोर्गिनी जैसी चीज को भी बेचना पड़ सकता है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप में पाए जाने वाले हजीरा टमाटर की। गाइस, ये टमाटो पूरी की पूरी वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव टमाटो माना जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी कीमत, गाइस आप सुनोगे तो आपके कानों से खून निकल जाने वाला है। गाइस, इसकी कीमत है 3 करोड़ रुपीज पर किलो। गाइस, क्या आप इस टमाटर को खरीद पाओगे? अगर खरीद सकते हो भाई तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना आपको क्या क्या बेचना होगा इस टमाटर को खरीदने के लिए, ये जरूर लिख देना। और भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसको सब्सक्राइब करने से पहले एक बार लाइक कर दो, उसके बाद उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दो यार। ठीक है।